प्रदेश से आती आज की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अखिलेश यादव से जुड़ी बड़ी खबर है। अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस जारी किया गया है। अवैध खनन के मामले में सीबीआई का ये नोटिस अखिलेश के खिलाफ जारी हुआ है। बतौर गवाह अखिलेश को होना है पेश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत में ये खबर कई मायने रखती है और उथल पुथल मचाने वाली है। अखिलेश यादव को सीबीआई का जो नोटिस है, अब उसके मुताबिक बतौर गवाह अखिलेश को पेश होना है। संकेत आनंद, माफ कीजिए शंकर आनंद मेरे सहयोगी, और जानकारी इस खबर पर देंगे। शंकर, ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस, नोटिस में क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि खबरें आ रही हैं बतौर गवाह अखिलेश को होना होगा पेश। देखिए, इस मामले की अगर बात करें तो केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव को पूछताछ का यह समन भेजा गया है और उन्हें 29 फरवरी को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है। जो यह समन भेजा गया है, ये अंडर सेक्शन 160 के तहत भेजा गया है। और जिस तरह से 160 की अगर बात करें तो किसी भी मामले में किसी भी जो विटनेस होता है, जो गवाह होता है, उसे जब उससे जब पूछताछ की जाती है तो 160 का समन दिया जाता है। 160 के तहत ही उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। तो अखिलेश यादव को 160 के तहत यह समन भेजा गया है और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। जिस तरह से माइनिंग मामले की अगर बात करें तो ये माइनिंग स्कैम से जुड़ा हुआ मामला उस वक्त का है जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री होते थे, और उस वक्त में ये एक माइनिंग से जुड़ा हुआ एक करप्शन का जो मामला है वो सामने देखने को मिला था। और इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा इस मामले की तफ्तीश की जा रही थी, तो इसी मामले में जो तफ्तीश के दौरान में कई जो महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं उसी के आधार पर गवाह के तौर पर यानी विटनेस के तौर पर अखिलेश यादव को यह समन भेजा गया है और पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तब देखना लाजमी होगा कि क्या 29 फरवरी को यानी कल अखिलेश यादव पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने आएंगे या नहीं। जी ठीक है, मैं लौटती हूँ एक बार फिर से अपने दर्शकों को एक खबर बता देते हैं। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अवैध खनन मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने समाजवादी पार्टी के चीफ और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को तलब किया है, कल पेश होने के लिए कहा गया है। सोर्सेस के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है जो आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव को कल यानी कि 29 फरवरी को दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश होना होगा, और ये भी जानकारी मिल रही है कि अखिलेश को बतौर गवाह पेश होने के लिए कहा गया है। शंकर आनंद लगातार बने हुए हैं और जानकारी इस खबर पर देने के लिए। शंकर आनंद पानी पी पी कर सरकार को कोसते हैं यहां पर अखिलेश यादव। अब देखिए, इससे पहले भी बार बार राजनीति से प्रेरित उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं, ऐसी वो हमेशा बातें करते हैं। जाहिर तौर पर ये जो इनके खिलाफ बड़ा कदम उठाया गया है और अब जो नोटिस मिल ही चुका है तो इस पर सरकार को जरूर खेलेंगे, सरकार को जरूर घेरेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में कोई रिएक्शन इनकी तरफ से आया हो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से? शंकर, देखिए जिस तरह से अब इस संबंध की बात निकल के जब सामने आई है तो अब इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंदर में जो राजनीतिक पारा है वो जरूर गर्म हो गया है और इस मामले में जो राजनीतिक बयानबाजी का जो दौर है वो जरूर अब शुरू होने वाला है। लेकिन जिस तरह से पूरे इस मामले में देखा जाए, जिस तरह से पूरे मामले को अगर देखा जाए तो ये कई साल पुराना ये मामला है। जो ये मामला जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते थे उस वक्त में, चाहे गायत्री प्रजापति की चर्चा कर ले, गायत्री प्रजापति से भी इस मामले में पूछताछ की गई थी, बाद में उसकी उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। और खनन से जुड़ा जो मामला है 2012-13 के समय का वो मामला है, उस वक्त में इस मामले पर तकरीबन साल 2015 के आसपास में वो मामला इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को ट्रांसफर हुआ था और सीबीआई ने इस मामले में केस रजिस्टर करने के बाद कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। तो अखिलेश यादव की अगर बात करें तो उनसे जो पूछताछ की जाएगी वो गवाह के तौर पर, शुरुआती तौर पर पूछताछ की जा सकती है और उनसे ये जाना जाएगा कि जब आप मुख्यमंत्री थे उस वक्त में जो खनन विभाग से जुड़ा हुआ जो एक करप्शन मामला था, तो इस मामले की जानकारी क्या आपको थी या नहीं, अगर थी तो किस तरह से आपको जानकारी हुई, किस तरह से इस मामले में आपने आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया। तो ये तमाम जो प्रावधान है उन तमाम प्रावधान के बारे में और इस मामले पर मुख्यमंत्री के होने के नाते क्या कार्रवाई किया गया था, इन तमाम मामलों पर उनसे विस्तार से पूछताछ किया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये खनन से जुड़ा हुआ जो मामला है, खनन से जुड़ा हुआ जो भ्रष्टाचार का मामला है, तो इस मामले में जो पिछले कुछ सालों के दौरान में जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा
जो तफ्तीश की गई और इस तफ्तीश के दौरान में जो तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया तो उसी के आधार पर जो 160 के तहत समन भेजा गया है और धारा 160 अगर की अगर बात करें तो ये विटनेस को भेजा जाता है, अगर कोई गवाह होता है उसको भेजा जाता है। लेकिन इस कानून के एक और प्रावधान मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार ऐसा भी देखने को होता है कि जो गवाह को बुलाया जाता है तो बाद में वो उनको एक्यूज भी बनाया जाता है, अगर वो उस सबूतों को छुपाने के प्रयास करता है या गलत तथ्यों को सामने रखता है। तो कई बार देखने को मिला है कि गवाह भी आरोपी बन जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल अगर इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो जिस तरह से शंकर आनंद, हमने देखा कि कल जब राज्यसभा के चुनाव थे तो एक के बाद एक बुरी खबर अखिलेश यादव के लिए आ रही थी, और अब इस बात को भी समझना होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव सर पर है जिसकी तैयारी हर पार्टी कर रही है जीतने के लिए। अखिलेश यादव को ये बड़ा झटका कहेंगे और ये उनके लिए बहुत ही बुरी खबर कहेंगे, भले बतौर गवाह उनको बुलाया गया हो, लेकिन अब वो इस खबर को पूरी तरह से अपने प्रति राजनीति से प्रेरित बताएंगे। लेकिन हम इसका असर आने वाले चुनाव में जरूर होता हुआ देखेंगे, क्योंकि कभी भी इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो सकता है और उसके बाद चुनाव प्रचार का शोर हर तरफ गूंजेगा। अखिलेश यादव उससे पहले सुर्खियों में आए हैं, तो इसका असर हम लोकसभा चुनाव पर पड़ते हुए शंकर आनंद जरूर देखेंगे। देखिए, चुनावी वक्त है और लोकसभा का चुनाव होना है, और अखिलेश यादव लगातार जिस तरह से पिछले कुछ समय से एक्टिव होकर के चाहे वो केंद्र पे निशाना साधने की बात करें या जांच एजेंसियों पे सवाल उठाने की बात करें, तो अखिलेश यादव लगातार इस तरह के सवाल हैं। लेकिन पिछले कई सालों के दौरान में जब पहली बार देखने को मिल रहा है कि पहली बार अखिलेश यादव को सीबीआई का ये समन गया है और इस माइनिंग स्कैम मामले में पहली बार पूछताछ का ये समन भेजा गया है, तो निश्चित तौर पे अखिलेश यादव की बात करें या उनके पार्टी के नेताओं की बात करें तो उनके द्वारा ये जो सवाल निश्चित तौर पे उठाया जाएगा कि जब आप चुनाव की तारीख हो गई है या जिस तरह से बकायदा इस मामले पर जांच एजेंसी की अगर बात करें तो हालांकि जांच एजेंसी पर लगातार पहले भी चाहे वो सीबीआई की बात करें, ईडी की बात करें या इनकम टैक्स की बात करें, अखिलेश यादव कई बार इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं कि इन जांच एजेंसियों का गलत तरीके से दुरुपयोग होता है। तो एक तरह से कहा जाए उन आरोपों को अगर दूसरी तरफ देखा जाए और जांच एजेंसी की अगर बात करें तो जांच एजेंसी हमेशा उनका कहना होता है कि हम तमाम सबूतों के आधार पर, तमाम गवाहों दर्ज बयानों के आधार पर, गवाहों के आधार पर किसी भी आरोपी को पूछताछ का समन भेजा जाता है। और अगर चाहे बात करें आपके पास इसी पर एक बड़ा अपडेट भी आ गया है, क्योंकि एक बड़ा रिएक्शन समाजवादी पार्टी की तरफ से आना देखिए अब लाजमी है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव को केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से जो नोटिस भेजा जा रहा है उनको राजनीति से प्रेरित ये फंसाने की कोशिश है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे समाजवादी पार्टी के नेता ने लिखा है कि सीबीआई ईडी हर चुनाव से सक्रिय होते हुए पहले पूर्ण सक्रिय हो जाती है और बीजेपी के इशारों पर समन भेजा करती है। हम डरने वाले नहीं है, समाजवादी पार्टी कह रही है हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। सोर्सेज के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है, अवैध माइनिंग केस में 160 सीआरपीसी में समन भेजा गया है, नोटिस भेजा गया है और कल पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया गया है बतौर गवाह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को। लगातार हमारे साथ शंकर आनंद बने हुए हैं। शंकर आनंद, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, आप देखिए अब पार्टी की तरफ से दिग्गज नेता जो हैं वो रिएक्शंस देना शुरू कर चुके हैं। हाँ, जरूरी होगा अखिलेश यादव को सुनना कि वो क्या बोलते हैं, लेकिन वो भी वही ये बात बोलेंगे जो उनके पार्टी के और लोग बोल रहे हैं, बड़े नेता बोल रहे हैं कि भाई राजनीति से प्रेरित ये कृत्य है और जाहिर तौर पर चुनावों से पहले सरकार के साथ उनकी जो ये एजेंसियां हैं, सरकारी तंत्र हैं, वो भी अलर्ट हो जाते हैं और इस तरह से फंसाने की कोशिश करते हैं बड़े राजनेताओं को। अब देखिए, यहाँ पर जांच एजेंसियों की अगर बात करें तो देखिए जांच एजेंसी को मैं एक रिपोर्टर के तौर पर पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ, तकरीबन डेढ़ दशक से ज्यादा हो गए हैं इस जांच एजेंसियों को बेहद करीब से देखते हुए। तो जांच एजेंसियों के अगर काम करने के तरीके की अगर बात करें तो जांच एजेंसी पर आरोप लगना वो दूसरी बात है, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो जांच एजेंसियों का काम करने का जो तरीका है, तमाम सबूतों के आधार पर ही चाहे वो समन भेजने की कार्रवाई करती है या किसी की गिरफ्तारी करती है या अगर किसी पूछताछ की जो प्रक्रिया होती है, तो ऐसा नहीं है कि अचानक किसी को भी बुला लें पूछताछ के लिए या किसी को भी समन भेज दें, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर उस केस से संबंधित किसी का अगर कोई सबूत होते हैं या अगर इस मामले में कोई किसी गवाह का बयान दर्ज होता है तो उसी के आधार पे होता है, ऐसा नहीं है कि हवा में ही तमाम बातें होती हैं। तो जांच एजेंसियां
जांच एजेंसियां जो पिछले कुछ सालों के दौरान जो तफ्तीश की है, इन्वेस्टिगेशन की है, और उसी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो तमाम जानकारी मिली है और तमाम जो सबूत इकट्ठा अब तक हुए हैं उसी के आधार पर अखिलेश यादव को ये पूछताछ का समन भेजा गया है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी अब शुरू हुई है तो हालांकि एक ये भी एक कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि कल अखिलेश यादव पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं जाए। लेकिन जिस तरह से अगर सीबीआई के समन्स की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस मामले में आने वाले दिनों में जो इस मामले में तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ सकता है, चाहे बात करें पूछताछ की दायरा की अगर बात करें। सवाल इसी सवाल को मैं लेना चाहती थी क्योंकि शंकर आनंद आप कानूनी दांव पेच बेहतर जानते हैं, तो आप बता पाएंगे कि अगर अखिलेश यादव, देखिए अभी तो वो मीडिया के सामने नहीं आए हैं, जाहिर तौर पर जब आएंगे तो सरकार को घेरेंगे ही, लेकिन अगर वो कल सीबीआई के सामने पेश नहीं होते हैं तो फिर क्या ऐसा कर सकते हैं वो? अगर कानूनी पहलू की अगर बात करें तो देखिए 160 के तहत ये समन भेजा गया है। 160 के तहत जो समन में है वो ऐसा प्रावधान है कि या तो एजेंसी चाहे तो एजेंसी खुद आकर के इनके आवास पर पूछताछ कर सकती है, या अखिलेश यादव खुद आ जाए पूछताछ के प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए, या अगर पूछताछ के प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि बाद में फिर दूसरा समन भी भेजा जा सकता है और दूसरा समन भेज करके फिर अखिलेश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तो ऐसा प्रावधान है। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अनुपम भी जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अनुपम, आपके पास क्या अपडेट्स हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस आया है अवैध खनन के मामले में, सीबीआई का ये नोटिस जिसमें बतौर गवाह अखिलेश को कल पेश होना होगा। अनुपम, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? देखिए कंचन, जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल करके सामने आया है, आपको बता दें कि 2012 और 2013 में अखिलेश यादव के पास खनन मंत्री का प्रभार था और तब से जुड़ा ये पूरा मामला है और इसको लेकर के 2016 से ये पूरी जांच चल रही है और इसमें हाईकोर्ट के आदेश पर भी आपको बता दें कि कई चीज़ें हुई थी। जो उत्तर प्रदेश में एक IAS अधिकारी रही हैं बी चंद्रकला, जो उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जिलाधिकारी रही हैं, बुलंदशहर में जिलाधिकारी रही हैं और कई जिलों में जिलाधिकारी रही हैं, उनके यहाँ पर भी छापेमारी हुई थी और कई ठिकानों पर जो है छापेमारी हुई थी। उसके बाद जो है कई चीज़ें निकल करके सामने आई थी और उसी से जुड़ा यह हुआ ये पूरा मामला है जिसमें अब अखिलेश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 29 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और आप इस बात को समझ सकती हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो खनन का सिंडिकेट चला करता था, हर कोई जानता है कि उत्तर प्रदेश में जो तमाम बेल्ट्स हैं, चाहे बुंदेलखंड की बेल्ट हो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके हों, वहाँ पर खनन बड़े स्तर पर पूर्व में होता रहा और उसको लेकर के जिस तरीके से हमने देखा कि जो खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति, वो भी विवादों में रहे और उसके चलते जेल की सलाखों के पीछे उनको जाना पड़ा। कई ऐसी चीज़ें रही जिसमें कई मामले लगातार चलते रहे और उस वक्त जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो खनन का बोलबाला था, इसको लेकर के हाईकोर्ट की तरफ से भी कई बार टिप्पणियां की गई थी और अब यहां पर ये सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की ये है कि अखिलेश यादव को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 29 तारीख को अखिलेश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जो सूत्र यहां पर जानकारी दे रहे हैं। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो ब्यूरोक्रेसी का जो सिंडिकेट है, उस सिंडिकेट में बी चंद्रकला, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आपको बता दें कि जिस प्राइम पोस्टिंग्स जो होती हैं उत्तर प्रदेश में उन पदों पर वो बनी रही और उसके बाद सब खनन के मामले में उनका नाम सामने आया था तो कई जगहों पर छापेमारी हुई थी। लखनऊ में भी उनका जो आवास है वहाँ पर भी छापेमारी की गई थी और साथ ही साथ कई जगहों पर छापेमारी की गई थी। 2016 से क्योंकि ये पूरा मामला चल रहा है, एक लंबे वक्त से चल रहा है, तो ऐसे में अब अखिलेश यादव से पूछताछ में और ज़्यादा चीज़ें निकलने की संभावना है कि आखिर किस तरीके से, क्योंकि आपको याद होगा जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो उस वक्त 2012 और 2013 में अखिलेश यादव के पास खनन मंत्री का प्रभार था, यानी कि एक जिम्मेदारी उनकी ऊपर थी खनन की और उस दौरान जो चीज़ें निकल करके सामने आई, या जो जांच चल रही है, जो हाईकोर्ट के निर्देश पर जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, उसके आधार पर अब ये साफ होगा कि उस वक्त अखिलेश यादव की इसमें क्या भूमिका रही है, क्योंकि अखिलेश यादव से जब पूछताछ होगी तो अब ये चीज़ें और ज़्यादा साफ हो पाएंगी। और जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह से ये पूछताछ होना कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए भी एक मेजर सेटबैक के तौर पर है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा कि राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के विधायक टूट गए और अब यहां पर अखिलेश यादव से 29 तारीख को ये पूछताछ, यानी कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए
अब यहां पर एक झटके के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है, क्योंकि ये मामला लगातार सुर्खियों में पुराने वक्त में रहा है। तो आगे जाहिर तौर पर रणनीति भी तैयार हो रही होगी कि कल सीबीआई के सामने अगर पेश होना है तो फिर सवालों के जवाब कैसे देने हैं, क्योंकि गायत्री प्रजापति के बाद अब अखिलेश यादव को कल पहुंचना होगा सीबीआई के सामने सवालों के जवाब देने के लिए। हालांकि बतौर गवाह पेश हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अब पार्टी को सोचने पर मजबूर होना होगा कल की रणनीति के लिए आखिर तैयारी कैसे की जानी है। अनुपम।